डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम 12th क्लास के टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आ चुका है, थोड़ा सा चेंज है, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टू टू द पावर एक्स सॉल्व करने वाले हैं। अगेन सी द क्वेश्चन, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टू टू द पावर एक्स। तो लेट दिस बी आई और अब इसमें आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से I इज इक्वल टू ये बनेगा माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वेयर माइनस पाई प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस टू टू द पावर माइनस पाई प्लस पाई माइनस एक्स। ए टू बी एफ एक्स कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई करें, आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर माइनस पाई पाई कैंसिल, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, अदरवाइज भी ये स्क्वायर है, तो प्लस वन प्लस टू टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। और बड़ा यूजुअल अप्रोच जो आपने हमेशा देखा कि आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी एड दीज टू। तो वन प्लस टू इम्प्लाइज आई प्लस आई टू आई माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टू टू द पावर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टू टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब बारी आई इसको सिंप्लीफाई करने की, तो देखिए 2i इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी टेकन कॉमन वन अपॉन वन प्लस टू टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस दिस इज टू टू द पावर माइनस एक्स विच यू कैन राइट वन अपॉन टू टू द पावर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स वन अपॉन वन प्लस टू टू द पावर एक्स प्लस। यहाँ एलसीएम लें तो आप देखो ये होगा टू टू द पावर एक्स प्लस वन और अपॉन का जो टू टू द पावर एक्स है वो ऊपर जाएगा, तो ये टू टू द पावर एक्स डी एक्स। आप देखिए काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर्स बीइंग सेम न्यूमरेटर्स विल बी एडेड डायरेक्टली, दोनों कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकेंगे वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू डी एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू डी एक्स।
अब इसे इंटीग्रेट करते इंडेफिनिट समझ के, 2y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन, लिमिट माइनस पाए टू पाए 1 प्लस कॉस 2x dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इज साइन 2x अपॉन 2 dx. लिमिट सॉरी dx विल बी रिमूव्ड और लिमिट है माइनस पाए टू प्लस पाए, 1 बाय 2 फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट पाए प्लस साइन 2 पाए अपॉन 2 माइनस माइनस पाए प्लस साइन 2 इंटू माइनस पाए अपॉन 2 1 बाय 2 पाए इज पाए साइन 2 पाए इज 0 माइनस माइनस पाए फिर माइनस बाहर आएगा और साइन 2 पाए इज 0 1 बाय 2 पाए माइनस माइनस प्लस पाए प्लस पाए 2 पाए 2 2 कट आंसर इज पाए. इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी शुड नॉट बी अप्लाइड हियर अदरवाइज योर मार्क्स may be deducted, so be careful. So this is the way to integrate this. Let us see one more question which is based on similar technique. Now the question is this: minus pi or minus pi by 2 to pi by 2 1 upon 1 plus e to the power sin x. Same method you can apply for this particular question. जिस तरीके से हमने पिछला question किया उसी तरीके से आप इस question को proceed करिए and you will find answer of the question. और इसी तरीके का एक और question बन सकता है 0 to pi वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर कॉस एक्स. जब आप इसमें प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाए वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर ए प्लस बी माइनस एक्स सॉरी ई टू द पावर कॉस 0 टू पाए 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर कॉस पाए माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स. ये बनेगा आपका नंबर वन, ये बनेगा नंबर टू. और जब आप ऐड करेंगे 1 और 2 को तो 1 प्लस 2 विल इंप्लाय 2y इज इक्वल टू 0 टू पाए 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप एलसीएम ना लेना चाहें तो डायरेक्टली इसको ऐड कर अगर आप वो 1 अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स ना लिखना चाहें तो एलसीएम लेके भी डायरेक्टली कर सकते हैं 0 टू पाए 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर कॉस एक्स. आप डायरेक्टली भी देख लेते हैं कैसे होता है, देखिए डायरेक्टली कैसे होता है 1 प्लस ई टू द पावर कॉस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स 1 प्लस e टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स. न्यूमरेटर इज 1 प्लस 1 2
प्लस ई टू द पावर कॉस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वन इंटू वन, वन इंटू दिस, दिस इंटू दिस, प्लस ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स। ई टू द पावर कॉस एक्स और ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स आप समझते हैं कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स इज वन अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स, और कैंसिल हो करके वन आएगा, टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाए टू प्लस e टू द पावर cos x e टू द पावर माइनस cos x अपॉन वन प्लस e टू द पावर cos x e टू द पावर माइनस cos x प्लस वन। अब आप देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, देयरफॉर दे कैन बी कैंसल्ड, टू प्लस दिस, यहाँ हियर वन प्लस वन इज टू प्लस सेम, तो इट इज वन, and integration of one is x limit 0 to pi pi minus 0 to i is equal to pi by 2. This is the answer of the question. So these three questions which we discussed were same, एंड इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, मुझे ज़रूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट।